परिणीति चोपड़ा को आखिरी बार इम्तियाज अली की फिल्म अमर सिंह चमकीला में देखा गया था। फिल्म में उनकी अदाकारी के लिए उन्हें दर्शकों और समीक्षकों से खूब सराहना मिली। फिल्म में उन्होंने दिलजीत दोसांझ के साथ काम किया था। उन्होंने अमर सिंह चमकीला की पत्नी अमरजोत कौर का किरदार निभाया था। अब वे अपनी इस हिट फिल्म की सफलता का आनंद ले रही हैं। इस फिल्म के प्रचार के दौरान परिणीति ने इंडस्ट्री में फिल्में मिलने के तरीके को लेकर बड़ा बयान दिया था, जिस पर अब फिल्म निर्माता और निर्देशक करण जौहर की प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल फिल्म के प्रचार के दौरान परिणीति ने चौंकाने वाली टिप्पणी करते हुए कहा कि पार्टियों में हिंदी फिल्में ऑफर की जाती हैं, चूंकि उनका पीआर गेम खराब था इसलिए उन्हें फिल्में नहीं मिल सकी, जो फिल्में आखिरकार अन्य स्टार किड्स के पास चली गयी। इस दावे के बाद से फिल्म इंडस्ट्री में एक बार फिर करण जौहर सबके निशाने पर आ गए। परिणीति के दावे के बाद से हर किसी ने करण जौहर का नाम लिया, क्योंकि वे अपनी मशहूर पार्टियों के लिए जाने जाते हैं। वहीं अब हाल ही में करण ने इन दावों पर प्रतिक्रिया दी और परिणीति की टिप्पणी को लेकर निशाना भी साधा। करण ने जवाब दिया और कहा कि उन्होंने कभी भी अपनी पार्टियों में कोई फिल्म ऑफर नहीं की। करण जौहर ने परिणीति चोपड़ा का नाम लिए बिना कहा कि जैसा कि हर कोई सोचता है कि मैं पार्टियों में फिल्में ऑफर करता हूं, मैंने कभी ऐसा नहीं किया है और कोई भी किसी से भी जाकर पूछ सकता है जो पहले मेरी पार्टियों में शामिल हुआ हो। ऐसे में अब उन्होंने अपनी बात साफ कर दी है और उनका इशारा परिणीति के बयान की ओर था। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग समाग्राम।